हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल में। बिहार में पंचायती राज विभाग के अंतर्गत जो भर्ती आई थी टेक्निकल असिस्टेंट और अकाउंटेंट कम आईटी असिस्टेंट का, तो फ्रेंड्स यहां पर जो है एक और जिला का अकाउंटेंट कम आईटी असिस्टेंट का जो है 73 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरण किया गया, जिससे कि उनके चेहरों पर खुशी आ गई। जी हाँ फ्रेंड्स, ये बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है आज का 10/9/2019 का, और जो उनको कर्तव्य और दायित्व से कराया गया अवगत। तो किस जिला का मिला है नियुक्ति पत्र, जानने के लिए वीडियो को देखिए लास्ट तक। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं और दिखाते हैं आपको पूरा अपडेट। तो फ्रेंड्स, इसके रिगार्डिंग में मैंने एक वीडियो पहले भी अपलोड किया था कि पटना जिला का जो है आ गया था जो पूरा अपडेट, कि जो 80 अभ्यर्थियों का जो यहाँ पर लिस्ट निकाला था मेरिट लिस्ट, जिसमें कि यहाँ देखिए दिया गया था जो मैंने आपको दिखाया था कि 9/9/19 को इन सोमवार को 11 बजे पूर्वाह्न से जो है जिला पंचायत राज कार्यालय पटना में नियोजन पत्र वितरण किया जाएगा। इसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो अपलोड किया था, तो उसी के रिगार्डिंग फ्रेंड्स कल जो है वितरण किया गया पटना जिला के डीएम के द्वारा। तो चलिए दिखाते हैं उसका अपडेट। तो फ्रेंड्स ये रहा अपडेट जो कि आज के ही पेपर में आया हुआ है। इसका अपडेट, पंचायतों की निगरानी अब हो सकेगी आसान। ग्राम पंचायतों तथा वार्ड कार्यान्वयन व प्रबंधन समिति पर निगरानी अब आसान हो जाएगी। पंचायत स्तर पर सभी कार्यों का लेखा जोखा अपडेट रहेगा। और उक्त बातें जो है जिलाधिकारी कुमार रवि ने सोमवार को संविदा के आधार पर चयनित 73 लेखापाल सह आईटी सहायकों को नियुक्ति पत्र सौंपते हुए कही। जी हाँ फ्रेंड्स, जो मैंने आपको पहले अपडेट दिया था कि पटना जिला का लिस्ट आ चुका है और आप लोग सोमवार को जाके नियुक्ति पत्र लेकर ज्वाइनिंग कर सकते हैं, तो उसी के रिगार्डिंग में उन जो यहाँ पर जो है आया है अपडेट। आज 10 सितंबर है, तो कल 73 लोगों को नियुक्ति पत्र बांटा गया पटना जिला के जो जिलाधिकारी हैं कुमार रवि उनके द्वारा। और यहाँ पर जो है डीएम ने कहा कि इनका चयन मुख्यमंत्री ग्रामीण नाली गली पक्कीकरण निश्चय योजना एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए किया गया है। और डीएम ने बताया कि चयनित लेखापाल सह आईटी सहायकों को कर्तव्यों और दायित्वों से अवगत कराया गया और ये योजनाओं का जो है लेखा जोखा भी करेंगे। यानी जो है ये पंचायत में जो है जितने भी काम होंगे उनका जो है लेखा जोखा का संधारण करना इनका काम होगा। तो फ्रेंड्स आप लोगों को यही देना था अपडेट कि यहाँ पर जो है 73 अभ्यर्थियों का पटना जिला में लेखापाल से आईटी सहायक के लिए हो चुका है योगदान, और सभी लोग जो है जल्द ही अपने पंचायत में योगदान करेंगे। और फ्रेंड्स यही था अपडेट, और जैसे ही आता है फ्रेंड्स और भी कोई जिला का तो मैं आप लोगों के लिए जरूर लेके आऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।